हूँ विकास और आप देख रहे हैं टेक्निकल विकास यूट्यूब चैनल। अभी दोस्तों अभी जो स्क्रीन पर आपने वीडियो देखा था वह वीडियो मैंने खुद से बनाया था और पूरे टिकटॉक पर अभी तक सिर्फ ऐसा वीडियो एक ही बना हुआ है और उसमें लोग सिर्फ यही बात पूछ रहे थे कि सर इस वीडियो को कैसे बनाया है, सर यह वीडियो कौन से ऐप से बना है। तो आज मैं आपको बता दूं कि यह वीडियो किसी ऐप से नहीं बनता है, यहाँ पे आपको नॉर्मली एक एंड्रॉयड फ़ोन चाहिए और उसमें आपको काइन मास्टर होना चाहिए। तो मैं यहाँ पे आपको काइन मास्टर की मदद से बनाकर दिखाने वाला हूँ, तो बस वीडियो को पूरा देखिए और बहुत ही आसान है, थोड़ा सा आपको यहाँ पर टाइम देना होगा। तो चलिए वीडियो का स्टार्ट करते हैं, चलते हैं अपने मोबाइल के स्क्रीन पर। लेकिन इससे पहले अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और चैनल के सामने एक रेड कलर का बटन दिख रहा होगा उस पर क्लिक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल को सेलेक्ट कर लें, क्योंकि मैं हमेशा यहां पे आप सभी के लिए टिकटॉक के ट्रेंडिंग वीडियोज़ का ट्यूटोरियल सबसे पहले लेकर आता हूँ। तो सबसे पहले आपको काइन मास्टर ओपन करने के बाद यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और इसके बाद आपको यहाँ से आपको अपने मीडिया में जाना है। तो इस तरह से आपका काइन मास्टर ओपन हो जाएगा, तो यहाँ पे आपको मीडिया पे क्लिक करना है और इसके बाद आपको अपने कैमरा वाले सेक्शन में जाना है और वहाँ से आपको एक वीडियो को लेना है जिसको आपने नॉर्मली शूट किया है। तो हम आपको बता देते हैं कि आपको कैसा वीडियो शूट करना है। तो आपको सिंपली छत पे एक कुर्सी रख देना है और उस पर आपको सिंपली टहलते हुए जाना है और उस पर कुर्सी पर आपको चढ़ करके थोड़ा सा आपको जंप कर लेना है। तो आप देख सकते, और अगर आपको वीडियो में कुछ कट करना है तो कैंची वाले ऑप्शन पर जाकर इस साइड से इसको क्लिक करके इधर का पार्ट काट सकते हैं। और अगर आपको इस साइड का पार्ट काटना है तो आप देख सकते हैं सिंपली आप यहाँ पर ऐसे जंप कर ले और उसके बाद यहाँ पे रोक के वीडियो पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको कैंची वाले ऑप्शन में जाना है। तो हम इतना पे रोक देते हैं, जैसे कि आप ऊपर में देख सकते हैं आप जैसे ही जंप करते हैं वहीं पर आपको रोक देना है और वीडियो पर क्लिक करके कैंची वाले सेक्शन में जा करके यहाँ से आप इस वाले पार्ट को काट दें। और उसके बाद आपको यहाँ पे लेयर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको ऑडियो को लाना है। तो आपको लेयर पे क्लिक करके मीडिया में जाना है, तो हम यहाँ पे लेयर पे क्लिक करके मीडिया में जाते हैं और इसके बाद आपको वहाँ से एक ऑडियो ले लेना है। तो मेरे टिकटॉक आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ से जाकर के वीडियो को डाउनलोड कर ले और उसके बाद आपको यहाँ पर वीडियो को डाउनलोड करने के बाद आपको वीडियो को सिलेक्ट करना है। फिर यहाँ पर काइन मास्टर में आकर कैंची पे क्लिक करके यहाँ से आपको एक्सट्रैक्ट ऑडियो पे क्लिक करके यहाँ से आप वीडियो को डिलीट कर दें और आपको देख सकते हैं कि आपका सॉन्ग यहाँ पे आ गया। तो आपको आपके क्या करना है कि जैसे ही आप ऊपर में जंप करने के लिए कूदते हैं वहाँ पे आपको वीडियो को क्लिक करके रोकना है और उसके बाद आपको यहाँ पे क्लिक करना है, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आपको ए वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है। तो आपको यहाँ पे इस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा और उसके बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एक इमेज आ जाएगा। तो यहाँ पे यह वीडियो से इमेज निकल गया है, तो आपको उस इमेज पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको क्रॉप वाले ऑप्शन में जाकर यहाँ से इक्वल कर देना है इसको, ताकि यह एकदम यहाँ पे दोनों इक्वल हो जाता है तो यहाँ पर यह हिलेगा नहीं। और उसके बाद आप इसको साइज को बढ़ा सकते हैं, तो यहाँ से हम इसके साइज़ को बढ़ा देते हैं, जितना सॉन्ग है उतना आपको यहाँ पर कर देना है। तो हम यहाँ पे इसके साइज़ को बढ़ा देते हैं और आपको थोड़ा सा वीडियो को स्लो करना है, तो अगर आप वीडियो को स्लो करना चाहते हैं तो वीडियो को भी स्लो कर सकते हैं। तो वीडियो के आप थोड़े पार्ट को यहाँ से चाहे तो क्लिक करके यहाँ से आराम से वीडियो को स्लो मोशन कर सकते हैं कंट्रोल वाले ऑप्शन में जा करके। तो इस तरह से हमारा वीडियो यहाँ पर हो चुका है कम्प्लीट। और इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ से सॉन्ग पर क्लिक करके यहाँ से आपको ऑडियो को डिलीट कर देना है, क्योंकि वीडियो में आपको मिल जाएगा। और उसके बाद आपको वीडियो को थोड़ा सा स्लो करना है, तो आपको यहाँ से जैसे ही आप कुर्सी पर चढ़ते वहीं पर रोकना है, फिर कैंची पर जाके थर्ड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करके आपको क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको स्पीड कंट्रोल में जा करके इस वाले पार्ट के स्पीड को आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्लो कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर यह कितना ज़्यादा स्लो हो गया, तो इस तरह से आपको यहाँ पर इसको स्लो कर लेना है। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको सिंपली कैंची से जा करके एक्स्ट्रा पार्ट को काट देना है। अगर वीडियो आपका 15 सेकेंड से ज़्यादा हो रहा है तो आपको यहाँ पर इसको कट कर देना है, क्योंकि 15 सेकंड तक यहाँ पे सॉन्ग मिलेगा आपको, तो यहाँ पे आपको 15 सेकंड तक का ही वीडियो रखना है। तो यहाँ पे कैंची पे क्लिक करके इस वाले पार्ट को काट देते हैं, तो 15 सेकंड का हमारा वीडियो बन चुका है। और इसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पे आपको इमेज वाले पार्ट का आपको यहाँ पे कलर चेंज करना है बैकग्राउंड का, तो आपको कलर फिल्टर में जाना है। यहाँ पर देख सकते हैं आप इमेज का लोगो है, यहाँ से आप समझ सकते हैं क्या इमेज है वीडियो में। तो यहाँ पे आपको यह वाला बैकग्राउंड सेलेक्ट कर लेना है, कलर सेलेक्ट कर लेना है कलर फिल्टर में जा करके। और उसके बाद आपको यहाँ पे शेयर पे क्लिक करके यहाँ से आपको HD में एक्सपोर्ट कर लेना है। और उसके बाद आपको फिर से दोबारा से बैक आना है और उसके बाद आपको दोबारा से एक नया टैब ओपन करना है। तो आपको यहाँ पे दोबारा प्लस पे क्लिक करके बीच वाला ऑप्शन सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आपको वीडियो को लेना है। तो आपको वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप वीडियो को यहाँ से आसानी से डाउनलोड कर ले जा करके। तो आपको वहाँ पे एक वीडियो लेने के बाद आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आपको कुछ समय तक देखना, और जैसे ही यहाँ पे लड़की यहाँ पे अपने कानों को बंद करती वहीं से आपको वीडियो को रोक करके यहाँ से आपको वीडियो पे क्लिक करके कैंची में जाके थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके वीडियो को कट कर देना है दो भागों में। और इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको यहाँ से लेयर पर जाना है, फिर मीडिया में जा करके आपने वीडियो एक्सपोर्ट किया है उसको लेना है और उसके बाद यहाँ पर आपको फुल स्क्रीन में कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ से वीडियो को चला देखना है और आपको इस पार्ट को भी दो भागों में कट करना है।
तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जैसे ही ऊपर में जंप करते हैं, यहाँ से अगर आपका ग्रीन स्क्रीन जैसे ही आता है, वहाँ पे आपको वीडियो कैची वाले ऑप्शन पे जाकर थर्ड वाला ऑप्शन पे क्लिक करके कट कर दे, और इस वाले एक्स्ट्रा पार्ट को आपको यहाँ से क्लिक करके कट कर देना है। अगर ग्रीन स्क्रीन मतलब आ रहा है यहाँ पे ब्लू कलर का जो आ रहा है यहाँ पे स्काई वाला वीडियो, तो देख सकते हैं कि यहाँ पर आपका सिंपली थोड़ा इसको आपको बढ़ा देना है अगर आपका यहाँ पर वीडियो अचानक से गायब हो जा रहा है पूरा तो लेयर वाला। और उसके बाद आपको क्या करना है कि यहाँ पर आपको इस ब्लू कलर वाले वीडियो पे क्लिक करना है क्लिप पे, और उसके बाद यहाँ से क्रोमा की में जाके इसको इनेबल कर देना है। और उसके बाद आपको यहाँ से इसको पूरा सिंपली जीरो कर देना है, अपने अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे सेलेक्ट कर देना है कि आपके वीडियो में कैसा दिख रहा है। तो आप देख सकते हैं कलर की में हमारा यहाँ पे कुछ दूसरा कलर सेलेक्ट किया था, हमको यहाँ पे ब्लू सेलेक्ट करना है क्योंकि आपका स्काई जिस कलर का होगा आपको उसी कलर को यहाँ पे कलर की में रखना है। और इसके बाद आपको यहाँ से इस दोनों ऑप्शन को यहाँ पे आप कम बेस करके ज़्यादा मैक्सिमम मिनिमम करके यहाँ से आप वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं। अगर आपका बैकग्राउंड अच्छे से नहीं दिख रहा है तो आप वहां से एडजस्ट कर सकते हैं। तो इसके बाद देख सकते हैं कि यहां पे काफ़ी अच्छे से दिख रहा है वीडियो, तो इस तरह से आप इस तरह के वीडियो को बना सकते हैं। और वीडियो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है बनाकर क्योंकि इस पर बहुत सारे लाइक्स आते हैं। अभी तक एक वीडियो बना था और इस पर 5 लाख से ज़्यादा लाइक थे। तो आपको सिंपली बनाने के बाद शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है, और शेयर वाले ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद आपको यहाँ से HD में एक्सपोर्ट कर देना है। तो इस तरह से बहुत ही आसान तरीके से आप इस तरह के वीडियो बना सकते हैं। और अगर आप टिकटॉक के ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल हमेशा सबसे पहले पाना चाहते हैं तो आप इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो को अगर अभी तक लाइक नहीं किया तो आपने लाइक कर दें, और सब्सक्राइब करने के बाद साइड में एक नोटिफिकेशन बेल आएगा उस पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लें, क्योंकि मैं हमेशा यहाँ पर आप सभी के लिए ट्रेंडिंग वीडियो का ट्यूटोरियल लेकर आते रहता हूँ। तो बस आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं एक और नए वीडियो में।